राजीव गांधी पर दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा का पलटवार। मोदी जी की हार हो रही है, ये बात वे समझ गए हैं, उनके पैर उखड़ चुके हैं, ऐसे में वो बौखला गए हैं और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। चलते स्तरहीन टिप्पणियां करने के चलते उनके पास ऐसा लगता है कि कोई चारा बचा ही नहीं है। पूरा देश जानता है कि राजीव गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, साथ ही प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए, उसका कोई मैच नहीं है। मोदी जी की विचारधारा शहीदों के अपमान करने की रही और वही विचारधारा के चलते गांधी जी की हत्या हुई। ये गोडसे को महिमा मंडित करते रहते हैं, उसी विचारधारा के चलते उन्होंने शहीद करकरे का अपमान किया और अब राजीव गांधी जी के लिए अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। मोदी जी को देश कभी माफ नहीं करेगा और लोकतंत्र में वोट की चोट से बड़ी कोई चोट नहीं होती और जनता मोदी जी को उखाड़ कर फेंकेगी। मोदी जी समझ रहे हैं कि हार हो रही है उनकी, उनके पैर उखड़ चुके हैं, ऐसे में बौखला गए हैं, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और इसके चलते स्तरहीन टिप्पणियां करने के अलावा उनके पास कोई चारा ऐसा लगता है बचा नहीं है। पूरा देश जानता है कि राजीव गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है, साथ ही प्रधानमंत्री रहते हुए जो उन्हें क्रांतिकारी कदम उठाए उसका कोई मैच नहीं है, चाहे वो सूचना क्रांति की बात करें, पंचायती राज को स्थापित करने की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें। मोदी जी की विचारधारा शहीदों का अपमान करने की रही है और वही विचारधारा के चलते गांधी जी की हत्या हुई थी और ये गोडसे को महिमा मंडित करते रहते हैं। उसी विचारधारा के चलते शहीद करकरे जी का इनने अपमान किया और अब राजीव जी के लिए अभद्र टिप्पणी ये कर रहे हैं। मोदी जी को देश माफ नहीं करेगा और लोकतंत्र में वोट की चोट से बड़ी कोई चोट नहीं होती और जनता जहां भी चुनाव बचे हैं मोदी जी को उखाड़ के फेंकेगी, क्योंकि राजीव गांधी जी इस देश के लाडले पुत्र हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करी इस देश को एक रखने के लिए।